बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। लाइब्रेरी वॉइस के नॉवल देवी में आप सबको खुशामदीद। वीडियो की तरफ आने से पहले लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी ऑडियंस से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नॉवल देवी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। शानी के माथे पर पसीना आने लगा। ये सब क्या हो रहा था? गीत के अव्वलीन बोल बार बार दोहराए जा रहे थे। मन जा प्यारी मन जा, राज दुलारी मन जा। शानी के सामने बैठी हुई 10 मुमताज महतम औरतें मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थीं। उनकी आंखों से मोहब्बत टपकती थी। शानी की अबतर हालत देखकर माखू उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही बाकी औरतें भी अपने लिबास संभालती और जेवरात कड़कड़ाती उठ गईं। माखू ने अपनायत भरे लहजे में कहा, निकड़ी, आखिरी फैसला तो तूने ही करना है और तू ये फैसला खूब सोच कर कर। यहाँ पर आपा सबकी मिन्नत तुझसे यही है कि तू रुस्तम सियाल के साथ जोड़ी बना ले। सब औरतों ने उसे प्यार दिया, एक दो ने माथा भी चूमा, फिर वो एक एक करके बाहर निकल गईं। बाहर हजूम में बतदरीज इजाफा हो रहा था। ये लोग शहर के बासियों से कहीं ज़्यादा मोहब्बत करने वाले साबित हो रहे थे। हर कोई उसे चाहता है, खुशो खुरम देखना चाहता है और शायद रुस्तम के हवाले से भी उनके एहसासात यही थे। ये हंगामा आध पौन घंटा जारी रहा, फिर मुखिया दुर्राज के डांटने पर लोग धीरे धीरे मुंतशिर हो गए। वो रात शानी के लिए इम्तिहान की रात थी। मुखिया दुर्राज के घर के एक कच्चे कमरे में लालटैन की लो थरथरा रही थी। कमरे से बाहर शब की तारीकी थी। उस तारीकी में रखवाले कुत्तों का शोर था और गीदड़ों की आवाज़ें थीं। शानी कभी बांध की चारपाई पर बैठ जाती थी, कभी उठकर टहलने लगती थी। उसके अंदर से एक आवाज़ उभर रही थी। ये आवाज़ उससे कह रही थी, शानी, तेरी वजह से रुस्तम को जो तकलीफ़ें पहुँची हैं वो नाकाबले फरामोश हैं। उसे मुसलसल कई हफ्तों तक दुख, अज़ियत और ज़िल्लत की अमीक गहराइयों से गुजरना पड़ा है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। बेशक तू उससे वैसी मोहब्बत नहीं करती जैसी वो तुझसे करता है, लेकिन तू मोहब्बत तो करती है। तू इस मोहब्बत से रुस्तम के जान सोज जख्मों पर ज़िंदगी का मरहम रख सकती है। तू अपना आप रुस्तम के सुपुर्द करके उसके जान का दुखों का कुछ ना कुछ मदावा कर सकती है। वो तेरी वजह से बदतरीन अजाबों से गुजरा है। अब तेरे लिए मौका है कि तू अपनी गलतियों की तलाफी कर। सारी मसलियतों को बालाए ताक रखकर खुद को रुस्तम की दस्तरस में ले आ, और तू ये कर सकती है क्योंकि तू उसे जिंदा दरगोर नहीं देख सकती। तू उसको चाहती है, तू चाहती है, और ऐसा करना शायद तेरे लिए भी ज़िंदगी का रास्ता खोल दे। रुस्तम की पनाहों में आकर तू रेजा रेजा होने से बच जाए। फिर एक और ख्याल उसके जहन में आया कि रुस्तम किस अंदाज से सोच रहा है। क्या मौजूदा हालात में वो इस शादी के लिए तैयार होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सोच दूसरों की सोच से मुख्तलिफ हो? क्योंकि जब से वो आज़ाद हुआ था उसका रवैया बिल्कुल नाकाबले फहम था। शानी उसके बारे में किसी किस्म का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। किसी वक्त उसे लगता था कि जैसे ये वो रुस्तम ही नहीं है। रुस्तम कमरे में बैठा था, उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे। झोंपड़े की कच्ची दीवार पर उसका साया मुहीब नजर आता था। उसके सीने में एक तूफान था। इस तूफान के बारे में सिर्फ वो जानता था, किसी और को पता नहीं था और ना पता लग सकता था। इतने में मुखिया दुर्राज और आरिफ कंबूह अंदर दाखिल हुए और होले से रुस्तम के करीब बैठ गए। रुस्तम ने अपनी आतिशी निगाहों से उन्हें देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या लेने आए हो। दुर्राज ने आरिफ कंबूह को ठोका दिया। आरिफ ने खनकार कर गला साफ किया और बोला, रुस्तम, खुदा के लिए खुद को संभालो, तुम बिल्कुल झल्ले लगते हो, गैर अजनबी, ना कुछ सुनते हो ना समझते हो। किसी वक्त तो लगता है कि तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान भी नहीं रही। दुर्राज ने कहा, हाँ भाया, आपा दुश्मन नहीं दोस्त हैं और तेरे लिए दोस्तों की तरह सोच रहे हैं। तुझे खबर नहीं कि आपा तेरे लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं। आरिफ ने बेहद संजीदगी से कहा, रुस्तम, अब ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है।
कि तुम छोटी चौधरानी को दिलो जान से चाहते हो, वो भी तुमको पसंद करती है। तुम दोनों की सख्त ज़रूरत भी है कि तुम एक दूजे के हो जाओ, एक दूजे का सहारा बन जाओ। ख़ास तौर पर छोटी चौधरानी के लिए तो ये बात बहुत ज़रूरी है। रुस्तम ने अंगारा आंखों से आरिफ को घूरा, फिर वो बेहद मधम और बैठी हुई आवाज़ में फनकारा, चले जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। आरिफ कंबूह का चेहरा एक लम्हे के लिए फीका पड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। देखो रुस्तम, तुम बना बनाया काम खराब मत करो। ऊपर वाला तुम्हारे दिल की तमन्ना बड़ी सखावत से पूरी कर रहा है, तुम्हें छप्पर फाड़ कर दे रहा है। इनकार करोगे तो बहुत बड़ी नाशुक्री करोगे, बेवकूफ़ी करोगे, दुर्राज ने कहा। आज आपा के 10 खानदानों की 10 बड़ी जनानियाँ छोटी चौधरानी के पास गई थी। उन्होंने देर तक चौधरानी से बात की है। वो बड़ी हद तक मान गई है। उसने बड़ी हद तक नहीं, वो बिल्कुल मान गई है। आरिफ कंबूह ने दुराज की बात काटते हुए रुस्तम का हाथ दबाया। हाँ रुस्तम, वो मान गई है, वो बेवकूफ़ नहीं है, हर ऊंच नीच समझ रही है, और फिर तू उसका प्यार भी है। रुस्तम ने आंसुओं से भरी हुई सुर्ख आंखें आरिफ पर मरकूज की। झूठ मत बोल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीबी जी को जितना जानता हूँ कोई और नहीं जान सकता। तेरे सर की कसम रुस्तम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम सब ने मिलकर उसे मना लिया है। हम शरा के मुताबिक तुम दोनों को एक करेंगे, तुम्हारा ब्याह करेंगे। रुस्तम के सारे जिस्म में लर्जिश सी नमूदार हो गई थी। उस लर्जिश के सबब उसकी आंखों में ठहरा हुआ पानी भी थरकने लगा। वो जैसे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इस बात का बोझ बहुत ज़्यादा था। रुस्तम की हिम्मत इस बोझ की नस्बत बहुत कम थी। वो शशधर था। ये कैसे हो सकता है? तुम गलत कहते हो, वो बोला। तुम अभी 8-10 घंटों में सब कुछ अपनी आंखों से देख लोगे, आरिफ कंबूह ने पूरे यकीन से कहा। रुस्तम के समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने अपना सर घुटनों में छुपा लिया। उसके अंदाज से आया था कि वो तन्हाई चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। वो दोनों उठ गए। उठते हुए उन्होंने एक दूसरे को मायने खेज नज़रों से देखा। कमरे से बाहर निकल कर दोराज ने कहा, लगता है कि लोहा गर्म हो रहा है, एक दो आखिरी चोट की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अगर इस मौके पर रुस्तम को यकीन हो जाए कि छोटी चौधरानी मान गई है, तो वो भी हर उल्टी पुल्टी बात भूल जाएगा। आरिफ ने मलबूरन का सिगरेट सुलगाया और सरगोशी में दोराज से बोला, अब ज़रा भरजाई को छोटी चौधरानी की तरफ भेज। दोराज असबात में सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। शानी बेकरारी से कमरे में टहल रही थी। उसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 बज चुके थे। नींद उसकी आंखों से दूर थी। दिलो दिमाग में जंग जारी थी। ये जिंदगी किस काम की थी? ये किसी भी वक्त दुश्मनी की आग में जलकर खाक सतर हो सकती थी। अगर ये किसी के काम आ जाती, किसी के जख्मों का मरहम बन जाती, तो क्या बुराई थी? लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मुहीब सवाल भी उठते थे। वो अपनों से दूर थी। एक ऐसे शख्स के साथ उसका नाता जुड़ रहा था जो कानून के कागजों में कातिल और डाकू था। पुलिस फांसी का फंदा लेकर उसके पीछे भाग रही थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई और माखू अंदर आ गई। उसके हाथ में एक टोकरी सी थी। अजीब दहकानी गर्म जोशी के साथ वो आगे बढ़ी और उसने शानी को गले से लगा लिया। उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए बोली, निकड़ी, सियाने कह गए हैं, सदा न बागें बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोहबत यारा। जो कुछ भी इस जिंदगी से मिल जाए ले लेना चाहिए, चाहे घड़ी दो घड़ी की खुशी ही क्यों ना हो। और निकड़ी, तुम्हारी खुशी तो अल्लाह ने चाहा तो बड़ी लंबी होनी है। तुम दोनों ब्याह करके कहीं दूर निकल जाना, पठानों के इलाके की तरफ। वहाँ पुल्स की हवा भी तुम दोनों को नहीं लगेगी। मैं सच कहती हूँ निकड़ी, कुदरत ने यह बड़ा ही अच्छा मौका तुम दोनों को दिया है। लेकिन लेकिन शेकिन ना कर मेरी निकड़ी। माखू ने उसे अपने साथ भींच कर माथा चूमा। अभी दुर्राज और आरिफ दोनों रुस्तम के पास गए थे। बड़ी देर तक उसके पास बैठे रहे हैं। बड़े ऊंचे दिमाग वाले हैं ये दोनों। रुस्तम को ब्याह के लिए राजी करके ही उठे हैं, अभी आकर उन्होंने मुझे बताया है। शानी ने पूरी आंखें खोलकर माखू की तरफ देखा। तुम सच कह रही हो माखू, या तो क्या अपनी निकड़ी बहन से झूठ बोलूंगी? शानी गुमसुम खड़ी थी। माखू अपने साथ जो टोकरी लाई थी वो जमीन पर पड़ी थी। उसने झुककर बांस से बनी हुई टोकरी उठाई
और शानी के सामने उसका ढक्कन उठाया। ये टोकरी ऊपर तक छोटे छोटे सफ़ेद फूलों से भरी हुई थी, सैकड़ों फूल होंगे। हल्की हल्की महक कमरे में पहले से मौजूद थी, अब ये और तेज़ हो गई। उसने टोकरी सामने खिड़की की दहलीज पर रखी और बोली, ये भी आपा की एक रस्म है। ये फूल बस्ती के लोगों ने इकट्ठे किए हैं। हर बच्चे बड़े ने एक एक फूल दिया है। ये काहू के फूल हैं। ये जंगली फूल प्यार की निशानी होते हैं। मैं ये फूल यहाँ तेरी खिड़की में छोड़े जा रही हूँ। अगर सवेरे तक तेरा जवाब हाँ में हुआ तो ये सारे फूल अपने दुपट्टे में डालकर टोकरी खाली कर देना, और मुझे यकीन है निकड़ी, तेरा जवाब जरूर हाँ में होगा। सवेरे ये टोकरी खाली मिलेगी। वो बड़े एतमाद के साथ शानी की तरफ देख रही थी। लालटेन की रोशनी उसकी सुरमा लगी आंखों में मुनक्किस हो रही थी। शानी के जिस्म में हल्की सी लर्जिश थी। उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। फिल वक्त उसकी ख्वाहिश थी कि माँ को जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए। वो बड़ी दाना औरत थी। उसकी दहकानी दानाई ने उसे बता दिया कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो चली गई। शानी कमरे में तन्हा रह गई। हाँ, वो तन्हा रह गई, फूलों के साथ, रोज़न से झांकने वाली चांद के साथ, और कहीं दूर बजती बांसुरी के साथ। वो सोचती रही। ख्यालात के लश्कर उसके दिलो दिमाग पर यलगार करते रहे। आज तक उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा था, ना ही कभी अपने मुस्तकबिल की कोई शक्ल मुतय्यन की थी, लेकिन मुस्तकबिल का एक मोहूम सा खाका उसके जहन में भी था। फाखिर से जुदा होने के बाद ये मोहूम सा खाका उसके जहन में नमोदार हुआ था, और बस कभी कभार ही अपनी झलक दिखाता था। इस खाके में एक छोटा सा घर था, फूलों से ढका हुआ और झरनों में घिरा हुआ। सरे शाम उस घर में खुशबुएँ बिखर जाती थीं, सितारे झरोकों से झांकते थे। उस घर में एक बच्चे की चहकारें और शरारतें भी थीं। बच्चा कौन था? हाँ, ये वही मासूम था जो माँ की मौत के बाद शानी को अपना सब कुछ समझ बैठा था। ये मुन्ना था। उस घर में शानी और मुन्ना आगे पीछे भागते थे। उस घर में चौड़े सीने और मजबूत बाजुओं वाले एक मर्द का हियोला भी था। ये मर्द कौन था? कौन था जो भारी कदमों से आता था, शानी और मुन्ने को एक साथ अपनी मोहब्बत भरी बाहों में लेकर भींच लेता था, और फिर किसी अच्छे से खाने की फरमाइश करता था? इस तसव्वुराती घर में एक साफ सुथरा खुशबूदार बिस्तर भी था। ऐसा बिस्तर जिस पर घने बालों और बोझल सांसों वाला कोई जिस्म शानी को रोनता नहीं था, उसके कोमल जिस्म को अपनी अजियत रसानी से कुचलता नहीं था, बल्कि उस रेशमी बिस्तर के गिर्द नर्म खुशबूदार मोहब्बत का चमकीला हिसार रहता था। उस मर्द का हिवला उस बिस्तर को और भी दिलनशी बना देता था। कौन था ये मर्द? उस मर्द की शक्ल शानी को वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती थी, लेकिन वो बहुत हद तक शानी को जाना पहचाना लगता था। उसके लंबे बाल थे, उसकी छोटी सी रेशमी दाढ़ी थी, उसके शाने चौड़े और हमवार थे। वो बड़ी ठहरी हुई आवाज़ में बोलता था। वो कुछ रुस्तम से मिलता जुलता था, और कभी कभी शानी को लगता था कि वो रुस्तम ही है। आज भी वो उसे अपने तसव्वुर के मोहूम से खाके में देख रही थी, लेकिन आज उसकी शक्ल शानी को हमेशा से वाजह नजर आ रही थी। शानी ने अपनी आंखों की नमी साफ करने के लिए हाथ उठाया तो उसकी निगाह अपनी कलाई पर पड़ी। दूधिया जल्द पर नील अभी तक मौजूद था। ये कठोली गांव में रुस्तम की नाकाबले शिकस्त गिरफ्त का नील था। कठोली गाँव के मेले और खूनी हंगामे का सारा मंजर एक बार फिर शानी की निगाहों में घूम गया। चौधरियों के हाथों बेबस होने के बावजूद रुस्तम बेबस नहीं हुआ था। दुश्मनों की भीड़ और लाठियों की बारिश में उसने शानी का हाथ अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था। शायद अगर वह हिम्मत हार जाता तो सदाए एहतजाज बुलंद ना होती, जिसने देखते ही देखते इर्द गिर्द का सारा मंजर बदल दिया था। दानाओं ने सच कहा है, जब सुरों में सवाद हो और इरादे मुसम्मम हो तो दीवारों में दर बनते हैं। सोचते सोचते शानी का जहन थक गया। वो चारपाई पर नींद दराज हालत में लेट गई। गनूदगी की कैफियत में उसका अपना हियोला उसके सामने आन खड़ा हुआ। ये रंगवली की छोटी बीबी का हियोला था, भारी भरकम कपड़ों में लिपटा हुआ, जेवरात से सजा हुआ। हेवले ने उससे कहा, आज एक आखिरी फैसला कर ले शहनाज, तू चाहती क्या है? लेकिन जो फैसला भी करना है उससे पहले ये सोच लेना, तू रंगवली के उच्चे शिमले वाले चौधरी इरशाद की धीरानी है। मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसका किरदार उसे छोटा या बड़ा बनाता है। इसका मतलब है तू खुद को रुस्तम के बिस्तर पर लुटाएगी।
अपना आप उसके सुपुर्द कर देगी हमेशा के लिए। अगर उसके साथ दस्तूर के मुताबिक मेरी शादी होती है तो फिर एक बीवी की हैसियत से उसे मोहब्बत देना मेरा फ़र्ज़ होगा और मैं ये करूँगी। शायद तो गलत कह रही है, तू ये शादी इसलिए नहीं करेगी कि रुस्तम से बेहद मोहब्बत करती है, तू ये शादी इसलिए करेगी कि तेरी वजह से रुस्तम बहुत सी तकलीफ़ों से गुजरा है। तू ये शादी एक कफ़ारे और सज़ा के तौर पर करेगी। रुस्तम तेरे जिस्म से खुशी कशीद करेगा, उससे खेलेगा, उसे फतह करेगा। इस तरह तुझे एहसास होगा कि तू अपनी कोताहियों की तलाफ़ी कर रही है। ये शादी नहीं है, ये तो एक तलाफ़ी है। अगर ऐसा भी है तो इसमें क्या हर्ज है? और ये फ़कत तलाफ़ी ही तो नहीं है, इसमें मोहब्बत भी तो है, और मोहब्बत तलाफ़ी के साथ मिलकर हसीन तरीन हो जाती है। फिर जब इस मोहब्बत को अज़दवाजी रिश्ते की ताकत मिलेगी तो इसमें और शिद्दत आएगी। सोच ले शहनाज, वो तुझे पूजता है, और पूजा बस उसकी होती है जिसका हसूल नहीं होता। जब तू हासिल हो जाएगी तो देवी नहीं रहेगी, फकत घरवाली कहलाएगी। अगर ऐसा है तो मुझे ये भी कबूल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो मुख्तलिफ है, उसका प्यार भी मुख्तलिफ है, और वो बातें भी सबसे जुदा करता है। वो कहता है कि अगर हीर रांझा मिल भी जाते तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हीर रांझा ही रहते। सब इसी गलत फहमी में होते हैं शहनाज, कि उनका प्यार अनोखा है। आखिर में वही हविस की कहानी निकलती है। ताजमहल मत बनाओ शहनाज, क्योंकि ये गिर जाते हैं। गलत कहती हो, मैंने किसी से सुना था ताजमहल बनाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सचमुच के ताजमहल बन जाते हैं और वह गिरते नहीं। उन्हें दरियाए जमुना के किनारे हर कोई देख सकता है, छू सकता है। किताबों कहानियों की बातें कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक बार फिर अच्छी तरह सोच समझ लो। इससे पहले कि शानी जवाब देती, उसे लगा कि दर्जनों बीसियों महतम औरतें और बच्चे हाथों में काहू के फूल लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो गा रहे हैं, तेरा माही बड़ी दूर से आया है, उसका मुखड़ा जख्मों ने गहनाया है। देखनी उसके भेड़े हालों को, देखनी उसके पाँव के छालों को। मुस्कुराते चेहरों वाले लोग उमड़ते चले आए। शानी का मुखालिफ हियोला उन चेहरों के पीछे ओझल हो गया। अंधेरे में उजाले की आमेजिश बढ़ती चली गई। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें आने लगीं, मवेशियों के गले में बंधी हुई घंटियाँ उस वसी झोंपड़ा बस्ती के तूलो अर्ज़ में जल तरंग बिखेरने लगीं। शानी बड़े वक़ार के साथ अपनी जगह से उठी। उसके सामने खिड़की की दहलीज पर बाँस की टोकरी पड़ी थी, उसमें काहू के फूल थे। उसे लगा ये फूल नहीं बल्कि आँखें हैं जो उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही हैं। शानी के सीने में एक मीठी सी लहर उठी, एक ऐसी कैफियत जो इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो धीरे धीरे खिड़की के सामने आ गई। फूल उसके सामने थे, वो उन फूलों के हवाले से आखिरी फैसले पर पहुँच चुकी थी। रात को माखू ने उसे बताया था कि अगर उसका जवाब हाँ में हो तो वो उन फूलों को अपनी ओढ़नी के दामन में भर ले, और शानी इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इन फूलों की जगह अब उसकी ओढ़नी का दामन ही है। वो टोकरी के पास पहुंचकर अपनी उंगलियों की पोरों से उन फूलों को छूने लगी। उन पर शबनम की हल्की सी नमी थी और खुशबू उनके मसामों से फूटती महसूस हो रही थी। यकायक हया की लहर से शानी के रुखसार तप गए। उसे लगा जैसे वहाँ छुपी सैकड़ों निगाहें उस खिड़की की तरफ देख रही हैं, और शायद उन निगाहों में कहीं रुस्तम की निगाह भी है। शानी ने अपनी बोझल पलकों से उस चार दीवारी की तरफ देखा जहां रुस्तम का कयाम था। उसे महसूस हुआ जैसे उस चार दीवारी को नहीं, उसमें मौजूद रुस्तम को देख रही है। उसके रुखसारों की तपिश बढ़ गई, वो खिड़की से हट आई। ये काम वो अंधेरे में कर गुजरती तो ज़्यादा अच्छा था। वो जानती थी अभी थोड़ी देर में माखू अपने जेवरात कड़कड़ाती कमरे में पहुँच जाएगी। यहाँ पहुँचने के बाद उसने सबसे पहले सवाल टोकरी और फूलों के बारे में ही करना था। ऐसे में शानी उस पर अपनी मर्जी वाजह कर सकती थी, उसे बता सकती थी कि उसका जवाब हाँ में है। फिर शायद माखू खुद ही टोकरी पकड़कर शानी की ओढ़नी में उलट देती। वो चारपाई पर बैठ गई और तसव्वुर की निगाह से माखू और उसकी साथी औरतों के खुशी से दमकते चेहरे देखने लगी। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर शानी को कदमों की चाप सुनाई दी, चाप के साथ जेवरात की कड़कड़ाहट भी थी। यकीनन माखू उसकी तरफ आ रही थी। शानी के दिल की धड़कन तेज़ हो गई और रुखसार फिर तपने लगे। माखू तेज़ी से अंदर आई, शानी से कुछ कहे बगैर
उसने चारपाई पर से दरी और फूलदार चादर खींच ली। फिर वो उन बर्तनों की तरफ बढ़ी जिसमें रात को शानी ने खाना खाया था। उसने वो बर्तन दूसरे बर्तनों से अलहदा करके खिड़की से बाहर फेंक दिए। तब वो दनदनाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसे जैसे कुछ याद आया, वो पलटी। खिड़की की दहलीज पर फूलों वाली टोकरी रखी थी। उसने बड़ी नफरत से टोकरी भी फूलों समेत नीचे फेंक दी। शानी हक्का बक्का थी। माकू दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो शानी ने आवाज दी, क्या बात है, क्या हुआ है? माकू जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई। शानी शशदर थी। ये क्या हो रहा था? टोकरी से फूल ना उठाने की वजह से तो माकू इस कदर बरहम नहीं हो सकती थी। ये तो एक अलामती सी रस्म थी। यकीनन बात कुछ और थी, और ये जो बात भी थी खासी गंभीर थी। अभी शानी इसी अधेड़ बुन में थी कि नीचे गली से तीन चार अफराद के तेज लहजे में बोलने की आवाज़ें आने लगीं। शानी बेताब होकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। एक जवां साल महतम औरत अपने नंग धड़ंग बच्चे को गोद में उठाए बरामदे की तरफ जा रही थी। शानी ने उसे आवाज़ दी, बहन बात सुनो बहन। उस औरत ने एक डरी हुई सी निगाह शानी पर डाली और जवाब दिए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ गई। इसी दौरान में वो बड़ी उम्र की औरत शानी के पास पहुंची, जिसने दो दिन पहले भी शानी से बात की थी और बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था। उसका नाम दारी था। उसके हाथ में एक पतीली थी जिसमें गर्म पानी के अंदर नीम के पत्ते तैर रहे थे। शानी को देखकर उसका चेहरा करख्त हो गया। बिल्कुल अजनबी लहजे में बोली, हराम जादी, ओतरी, नखथरी, तुझे अपनी नहुसत फैलाने के लिए यही जगह मिली थी? मैंने क्या किया है मासी? तूने क्या नहीं किया है? नी तू कुत्ते की रन है। तेरे हाथ भी गलकर झड़ जाएं तो ये कम है। मुझे कुछ बताओ तो मासी, तूने हजरत साहब की बीबियों पर हाथ उठाया है, उनको मारा है, तूने हजरत साहब को दुख दिया है, उनका पाक बर्तन तोड़ा है, तेरी जबान में कीड़े पड़े, तूने पीरो मुर्शद के खिलाफ बातें की हैं, आपा तुमको कभी माफ नहीं करेंगे, ना तेरे संगी साथियों को। मेरी बात तो सुनो मासी। खबरदार कुतिया, जो हाथ लगाया मुझे तो अपना परछानवा दूर रख मुझसे। मासी दारी तेजी से एक तरफ को खिसकते हुए बोली। इससे पहले कि शानी मजीद कुछ कहती, वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चली गई। शानी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसकी निगाह बे इरादा मासी दारी का ताकुब कर रही थी। मासी दारी ने दुर्राज के मकान के सामने वाला खुला अहाता पार किया और दूसरे सिरे पर बने हुए झोंपड़ों की तरफ चली गई। उस तरफ एक बड़े झोंपड़े के सामने एक चारपाई बिछी थी। उस चारपाई के इर्द गिर्द कोई एक दर्जन महतम औरतें मौजूद थीं। चारपाई पर एक भारी भरकम औरत लेटी थी। शानी को याद आया, ये वही बीमार औरत है जिसे दो दिन पहले रात के अंधेरे में शानी ने देखा था। मकामी लोग उसकी चारपाई कंधों पर उठाकर लाए थे। माखू ने बताया था कि ये औरत शहर में काम करती थी, वहाँ सख्त बीमार होकर अस्पताल पहुँच गई थी और अब अस्पताल से वापस अपने घर आई है। शानी ने उसकी सूरत नहीं देखी थी, आज भी वो औरतों की ओट में थी। कुछ देर बाद सामने की औरतें इधर उधर हुई तो शानी को बीमार औरत की सूरत नजर आई। यकयक शानी के जिस्म में चूंटियां रीन गईं। ये बीमार औरत जाला थी। शानी की निगाह धोखा नहीं खा रही थी, ये वही थी। उसके चेहरे का रंग बदल कर गहरा स्याह हो गया था। चेहरे पर खुरंड से थे और ये खुरंड जिस्म के सारे नंगे हिस्सों पर भी थे। वो अब भी भारी भरकम थी लेकिन निस्बतन पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। यकयक सारी सूरत हाल शानी की समझ में आ गई। जाला महतम थी और इसी महतम बस्ती की रहने वाली थी। उसे शानी के बारे में क्या मालूम नहीं था, और उसे जो कुछ मालूम था उसने मकामी लोगों को बता दिया था। शानी ने दो तीन दिन पहले भी माखू से किसी पीरो मुर्शिद का जिक्र सुना था। माखू ने कहा था कि पीरो मुर्शिद दुआ करेंगे, अब उसके सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। अब शानी पर इंकशाफ हो रहा था कि वो पीरो मुर्शिद बहरूबिया पीर कुदरतुल्ला ही था। शानी के देखते ही देखते बहुत से मर्दो जन जाला के झोंपड़े के इर्द गिर्द और सामने के खुले अहाते में जमा हो गए। उन सब के चेहरों पर तनाव की कैफियत थी। वो आपस में सरगोशियां कर रहे थे और उनकी गुसीली निगाहें गाहे बगाहे इस खिड़की की तरफ उठ जाती थी जिसके अकब में शानी मौजूद थी। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा था। जाला हाथ नचा नचा कर बुलंद आवाज में कुछ कह रही थी, मगर फासला ज्यादा होने के सबब आवाज़ शानी तक नहीं पहुंच सकती थी। ये बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल थी। कल तक यही लोग थे, यही जगह थी, लेकिन चेहरे मुस्कुरा रहे थे। आंखों से शानी के लिए मोहब्बत छलक रही थी।
आज सब कुछ बदल गया था। वो एकदम सहम सी गई। कुछ देर पहले निगाहों में जो ख्वाब सजे थे वो चकनाचूर होने लगे। खुशी कितनी मुद्दत के बाद मिली थी और कितनी थोड़ी मुद्दत के लिए मिली थी। वो तो अभी एक बार खुलकर मुस्कुराई भी नहीं थी कि आंखों में फिर से नमी उतरने लगी थी। अभी कुछ देर पहले जो नन्हे नन्हे फूल खिड़की की दहलीज पर उसके लिए महक रहे थे और उसकी हाँ के लिए बेकरार नजर आते थे, वो अब नीचे धूल में पड़े थे और लोग उन्हें रोनते हुए गुजर रहे थे। इतने में दरवाजे पर आहट हुई। शानी ने घूम कर देखा। आरिफ कंबू तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। वो शलवार कमीज और बास्केट में था। चेहरा तमतमाया हुआ था। शानी के पास पहुंचकर वो सरसराती आवाज में बोला, बड़ी गड़बड़ हो गई है बीबी, उस खबीस औरत ने सारा काम खराब कर दिया है। ये शहर के अस्पताल में ही कहीं मर जाती तो अच्छा था। आरिफ का इशारा यकीनन जाला ही की तरफ था। शानी ने पूछा, क्या कहा है उसने? वो सब कुछ जिसे सुनकर ये महतम आग बगोला हो सकते थे। कुदरतुल्ला को ये महतम बरादरी जितना मानती है इतना कोई और नहीं मानता। वो उस पर अंधा यकीन रखते हैं। अब तुम्हारे हवाले से जाला की बातों ने उन्हें गम गुस्से से भर दिया है। तुम्हारे और रुस्तम के लिए उनकी सारी की सारी मोहब्बत खौफ और नफरत में बदल गई है। मैं बड़ी गलत सलत बातें सुनकर आ रहा हूँ। मुझे डर है कि वो कहते कहते खामोश हो गया। शायद उसे एहसास हो गया कि बात मुकम्मल करके उसे शानी की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहिए। इतने में मुखिया दुराज भी अंदर आ गया। शानी ने देखा कि क्लाशनकोफ उसके कंधे से लटक रही है। उसकी चौड़ी पेशानी पसीने से तर थी। शानी से नज़र मिलाए बगैर आरिफ से मुखातिब होकर बोला, मामला खराब होता जा रहा है। हजरत साहब का बड़ा मुरीद जालब आपे से बाहर हो रहा है। उसने जाला के साथ मिलकर लोगों को बहुत भड़का दिया है। कोई और मामला होता तो मुझे संभालने में जरा देर न लगती, पर यह बड़ा नाजुक मामला है। ऐसी लड़की को लोग एक मिनट में काफिर मुसलमान की लड़ाई बना लेते हैं। वो देखो, मेरा ख्याल है कि दूसरे पिंड से भी लोग आ रहे हैं। आरिफ ने खिड़की में से दूर कच्चे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। शानी और मुखिया दुर्राज ने एक साथ पलट कर देखा। छोटी बड़ी टोलियों की सूरत में दर्जनों अफराद तेज कदम उठाते इस झोंपड़ा बस्ती की तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां और कुल्हाड़ियां वगैरह थीं। अपने हुलिये और शक्लो सूरत से वो भी महतम ही नजर आते थे। माखू ने शानी को बताया था कि डेक नाले के साथ साथ ऊपर की तरफ दो तीन मजीद महतम बस्तियां मौजूद हैं। देखते ही देखते बस्ती के वस्त में खुली जगह पर हजूम में इजाफा होने लगा। लोगों के चेहरे तने हुए थे। मुखिया दुराज के खास आदमी जो लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह थे हजूम को एक हद से आगे बढ़ने से रोक रहे थे। खास आदमियों में से दो तीन के पास देसी साख की राइफलें भी नजर आ रही थी। मुखिया दुर्राज ने एक गहरी सांस ली तो उसका चौड़ा सीना दीवार की तरह नजर आने लगा। वो मुस्तहकम आवाज में बोला, निकड़ी तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं नीचे जाकर इन लोगों से बात करता हूँ। आरिफ कंबूह ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं कि सबके सामने जाने के बजाय तुम 10 बंदों को अंदर बुलाकर बात कर लो? गालिबन 10 खानदानों की 10 औरतों की तरह 10 मर्दों को भी इकाई की तरह समझा जाता था। अभी दुर्राज ने आरिफ कंबूह की बात का कोई जवाब नहीं दिया था कि अचानक सीढ़ियों की तरफ से शोरोगुल सुनाई दिया। उसके साथ ही बहुत से अफराद सीढ़ियों पर दंदनाते हुए ऊपर आने लगे। उनके ललकारे बड़े खौफनाक थे। वो एक दूसरे को मशवरा दे रहे थे, बाहर निकालो इसको, टोटे कर दो, था मार दो। दुर्राज के सांवले चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई। उसने बिला तामुल अपने खौफनाक क्लाशनकोफ कंधे से उतारकर हाथ में ले ली। जो अफराद सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे पर नमूदार हुए उनकी तादाद 10 के लगभग थी। उनमें 5-6 नौजवान थे। छोटी दाढ़ी वाला जो नौजवान सबसे आगे था उसके हाथ में छोटे से दस्ते वाली चमकीली कुल्हाड़ी थी। वो शक्लो सूरत से दुर्राज का करीबी रिश्तेदार नजर आता था। ये पुरगजब टोली मुखिया दुर्राज को अपने सामने देखकर एक लम्हे के लिए चौंकी। शायद उन्हें तौका नहीं थी कि दुर्राज यहाँ मौजूद होगा। 2-3 सेकंड खामोशी रही, फिर सबसे पहले अंदर दाखिल होने वाला दाढ़ी वाला नौजवान कड़क कर बोला, हराम जादी यहाँ छुप कर बैठी हुई है, बाहर निकल। तूने हजरत साहब की बीबियों पर हाथ नहीं उठाया, हमारी माओ पर हाथ उठाया है। तूने हम सब की इज्जत का जनाजा निकाला है, आपा तुझे इसकी सजा जरूर देंगे। मुखिया दुर्राज और आरिफ कंबूह आगे बढ़कर मुश्तइल टोली और शानी के दरमियान आ गए। दुर्राज अपनी पाटदार आवाज में फनकारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो। अभी इस पर सिर्फ इल्जाम लगा है,
इल्जाम सच्चा है या झूठा, इसका फैसला अभी नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं होता, ये बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है। फैसला हो गया है चाचा, मासी जाला ने एक एक बात बता दी है इस हरामजादी की। अब आपा को किसी थाने कचहरी की जरूरत नहीं है। एक बहुत मुश्ताइल शख्स ने नौजवान के पीछे से छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी फेंक कर शानी को मारी। शानी खौफ से चीख कर एक तरफ सिमटी। कुल्हाड़ी उसके पहलू से होती हुई पुरशोर आवाज के साथ बड़े जस्ती ट्रंक से टकराई। अब मुखिया दुर्राज के लिए अपनी अथॉरिटी साबित करना जरूरी हो गया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और क्लाशनकोफ का आहिनी दस्ता घुमाकर कुल्हाड़ी फेंकने वाले शख्स के जबड़ों पर दे मारा। वो डकराकर लड़खड़ाया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। दाढ़ी वाले नौजवान ने दुर्राज की बगल से निकलकर शानी की तरफ आना चाहा। उसका रास्ता आरिफ कंबूह ने रोका और उसे जोरदार धक्के से पीछे हटा दिया। इसी दौरान में मुखिया दुर्राज ने एक और शख्स के पेट में लात मारी और बाकियों की तरफ अपनी क्लाशनकोफ सीधी कर ली। ये लोग शानी पर झपटना तो चाहते थे, मगर अपने सरदार से दस्तों गिरेबां होने का कोई इरादा नहीं रखते थे। सरदार यानी मुखिया दुर्राज गरजा, पीछे हट जाओ, जान से मार दूंगा, पीछे हट जाओ। दाढ़ी वाले नौजवान समेत वो लोग सीढ़ियों की तरफ पसपा हो गए और फिर नीचे उतर गए। ताहम अहाते में शोरगुल की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। कई पत्थर उड़ते हुए आए और इस खिड़की से टकराए जिसकी दहलीज पर कल शब फूलों भरी टोकरी रखी गई थी। मुखिया दुर्राज ने आरिफ कंबू के कान में चंद सरगोशियाँ की और शानी की तरफ तसल्ली देने वाले अंदाज में देखता हुआ नीचे उतर गया। सीढ़ियों की तरफ आने वाले चौबी दरवाजे को वो बाहर से मुकफल कर गया था। अचानक शानी को बस्ती के जनूबी हिस्से से धुएं के मरगोले उठते दिखाई दिए। हाय अल्लाह, ये क्या है, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। आरिफ ने अपने होंठ सकोड़े, तशवीशनाक अंदाज में बोला, मुझे लगता है लोगों ने क्लिनिक को आग लगा दी है। यहाँ कौन सा क्लिनिक था, शानी ने हैरानी से पूछा। अभी बन रहा था, दो झोंपड़े खड़े किए गए थे, हम ही बना रहे थे, वो अफसरदा लहजे में बोला। जिधर से धुआं उठ रहा था उसी तरफ से लोगों का शोर भी बुलंद हो रहा था। वो नारा जनी का अंदाज अख्तियार किए हुए थे। शानी का ध्यान रुस्तम की तरफ चला गया। रुस्तम कहाँ है, शानी ने आरिफ से पूछा। अपने कमरे में ही है, मुझे डर है कि कहीं वो भड़क ना उठे, लोग भी बहुत गुस्से में हैं, कहीं खून खराबा ना हो जाए। दुर्राज उसी की तरफ गया है, आप परेशान ना हो, वो सब संभाल लेगा। फिर वो खिड़की से नीचे इशारा करते हुए बोला, वो देखें। दुर्राज के जाती मुलाजमों ने घर को घेरे में ले लिया है। शानी ने देखा, ये 10-15 सेहतमंद महतम थे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थीं, एक दो राइफलें भी दिखाई दे रही थी। वो लोगों को मुखिया के घर से दूर रहने का कह रहे थे। लोग बदस्तूर बिफरे हुए थे। शानी जाला की लगाई हुई ये आग देखकर हैरान हो रही थी और सोच रही थी कि अकीदों की वजह से लोग कितनी जल्दी और कितनी शिद्दत से बदलते हैं। यही हंसते मुस्कुराते लोग थे जो कल तक शानी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे, आज अपने अकीदे पर जद पड़ने की वजह से उसके खून के प्यासे हो रहे थे। 5-10 मिनट बाद हजूम अहाते से गलियों की तरफ मुंतशिर हो गया। नारों और ललकारों में भी कमी आ गई, मगर फिजा में शदीद तनाव की कैफियत बदस्तूर मौजूद रही। आरिफ कंबू बड़ी चौकस हालत में शानी के पास मौजूद था। शानी जानती थी कि उसकी कमीज के नीचे पिस्तौल लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद हांफता हुआ मुखिया दुर्राज दोबारा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। उसने अपने दोस्त आरिफ को बताया, घबराने की बात नहीं, लोग काबू में हैं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पंचों को भी बुलाया है, मिल बैठकर कोई फैसला करते हैं। फिर वो रुख फेर कर शानी से मुखातिब हुआ, निकड़ी तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम दोनों दुर्राज के परोने हो और अपने परोनों की हिफाजत करना दुर्राज खूब अच्छी तरह जानता है। लेकिन लोग बहुत गुस्से में नजर आते हैं, शानी हकलाकर बोली। ओए, ऐसी की तैसी उनके गुस्से की, पैदा करने वाले की कसम, तुम दोनों की खातिर मुझे 10-20 बंदे फड़काने पड़े तो एक सेकंड में फड़का दूंगा। शानी उलझी हुई नज़रों से कभी आरिफ और कभी दुर्राज की तरफ देख रही थी। उसे खून खराबे वाली बातें खौफजदा करती थीं। उसने दुर्राज से पूछा, मैंने आपसे कहा था कि रुस्तम के किसी साथी से राबता करें, पुलिस और दूसरे महकमों में भी रुस्तम के कई जानने वाले हैं, वो इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकते हैं। दुर्राज के बजाय आरिफ बोला, एक बंदे को इस काम पर लगाया तो हुआ है मैंने, लेकिन अभी उसकी तरफ से कोई इतला नहीं आई है, या शायद वो भी कहीं नारपुरी चौधरियों के हत्थे चढ़ गया है। दुर्राज के बाहर जाने के बाद आरिफ कंबूह ने सिगरेट के कई गहरे कश लिए।
उसकी चौड़ी पेशानी पर सोच की लकीरें गहरी हो गईं। क्या सोच रहे हो भाई, शानी ने पूछा। आरिफ ने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर कहा, दोराज यारों का यार है, वो बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लेगा मगर हमारी हिमायत से हाथ नहीं उठाएगा। नुकसान से तुम्हारी क्या मुराद है भाई? तीनों महतम बस्तियों के तकरीबन सारे लोग ही एक तरफ हो गए हैं, वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि दुर्राज के घर वाले और जाती नौकर चाकर भी इस मामले में उसके साथ नहीं है। ये तो दुर्राज का रोबर असर रसूख है जिसकी वजह से लोग अभी कंट्रोल से बाहर नहीं हुए। दरअसल इन लोगों ने कुदरतुल्ला को अपने दिमागों पर इतना ज़्यादा सवार कर रखा है कि उनके खिलाफ छोटी से छोटी बात भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, और जो कुछ जाला और जालिब वगैरह बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जालों तो खुद भी चौधरी बशीर की हिमायत में कुदरतुल्ला के खिलाफ चलती रही है। वो अपनी इस गलती को मानती है और कहती है कि उस गलती की वजह से उसने बहुत ज़्यादा सज़ा भुगती है। वो लोगों को अपना जला हुआ पिंडा दिखाती है और तोबा करती है। आरिफ कंबू चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, इन इलाकों में कुदरतुल्ला को पहले भी बहुत ज़्यादा माना जाता था, लेकिन जब से कुदरतुल्ला और उसके मुरीदों से झगड़ा करने वालों के बीमार होने का सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर लोगों का एतकाद और भी पक्का हो गया है। इस अजीब बीमारी की वाकई कोई समझ नहीं आई। सिर्फ चौधरी बशीर के घराने और घराने से ताल्लुक रखने वाले ही बीमार हो रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। कभी कभी ऊपर वाला लोगों के यकीन का इम्तिहान भी तो लेता है, शानी ने कहा, फिर बात जारी रखते हुए बोली, लेकिन फिलवक्त सोचने की बात यह है कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस बस्ती में अब हमारा रहना खतरनाक है। अब पुलिस ज़्यादा देर यहाँ से दूर नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ रहने से दुराज की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ? पुलिस के मुखबर और बल्ली मारों के कारिंदे दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। तुम्हारे गांव की तरफ जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, वो तो पहले ही पुलिस की निगरानी में है, शानी ने उंगलियां मड़ोड़ते हुए कहा। लेकिन कुछ भी है, शानी बहन, यहां से तो निकलना होगा, आरिफ कंबू ने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ, आप इतनी देर में अपनी चीज़ें वगैरह संभाल लो। दरवाजे पर दुर्राज के दो वफादार मुलाजमों को छोड़ने के बाद आरिफ उसी झोंपड़ानुमा मकान की तरफ बढ़ा जहाँ रुस्तम कयाम पजीर था। शानी ऊपर खिड़की से देख रही थी। अभी आरिफ ने अहाता पार नहीं किया था कि दो घुड़सवार उसके सामने आ गए। वो दोनों रास्ते की गर्द में अटे हुए थे और पता चलता था कि दूर से आए हैं। दोनों ने अपने सर मुंह बड़े बड़े सफ़ेद साफों में लपेट रखे थे। एक शख्स के घोड़े के पीछे एक दूसरा घोड़ा बंधा हुआ था। उस घोड़े पर घरेलू इस्तेमाल का कुछ सामान लदा हुआ था, कुछ ज़रई दवाएँ थीं और गालिबन बीजों के दो थैले थे। दोनों घुड़सवारों ने आरिफ से कुछ बातें की। शानी को आरिफ के चेहरे पर हैजानी कैफियत नजर आई। उसने दो तीन बार तेजी से असबात में सर हिलाया, एक बार फिर दोनों अफराद से मुसाफिया किया और उन्हें बड़े एहतराम से लेकर उस झोंपड़े में चला गया जहां रुस्तम और मुखिया दुर्राज मौजूद थे। झोंपड़े के अकब में तकरीबन आध फरलांग की दूरी पर जले हुए क्लिनिक से अभी तक धुएं के मरगोले उठ रहे थे। शानी बेकरारी से कमरे में घूमती रही, कभी चारपाई पर बैठ जाती, कभी खिड़की में आ खड़ी होती। खिड़की में खड़े होना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों के चेहरों पर उसके लिए बेगानगी और कदूरत के आसार थे। बच्चों की निगाह भी उस पर पड़ती थी तो उनमें खौफ सा उमड़ आता था। कितनी जल्दी बदला था सब कुछ। अभी तक शानी को कुदरतुल्ला या उसकी बीबियों में से कोई नज़र नहीं आया था। गालिब गुमान यही था कि वो इस दूर दराज बस्ती में फिलवक्त मौजूद नहीं है। दोनों घुड़सवार अभी तक झोंपड़े में मौजूद थे। दुर्राज और रुस्तम वगैरह के साथ उनकी मुलाकात तवील होती जा रही थी। ना जाने क्यों शानी को एहसास हो रहा था कि दोनों घुड़सवार अहम हैं और उनका ताल्लुक मौजूदा सूरत हाल से भी है। उन दोनों के घोड़े एक छप्पर तले बांध दिए गए थे। अब वो दाना पानी लेने के बाद सस्ता रहे थे। शानी की ख्वाहिश थी कि आरिफ जल्द अज जल्द वापस आए और उसे सूरत हाल से आगाह करे। तकरीबन आधा घंटा मजीद गुजर गया, फिर शानी को दोनों घुड़सवार रुस्तम के झोंपड़े से निकलते नजर आए। उनके चेहरे बदस्तूर मुंडासों में छुपे हुए थे। आरिफ कंबू, मुखिया दराज भी उनके साथ थे। वो सीधे उसी कमरे की तरफ आए जहाँ शानी मौजूद थी। शानी का दिल अनजाने खदशों से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर बाद दोनों घुड़सवार और आरिफ कंबू शानी के कमरे में थे। मुखिया दुराज किसी और तरफ निकल गया था। आरिफ ने शानी से मुखातिब होकर जज्बाती लहजे में कहा, देखो बहन, कौन आया है? घुड़सवारों में से एक जो उम्र में कदरे बड़ा नजर आता था आगे बढ़ा। उसने अपने सर और चेहरे से मुंडासा हटा दिया। शानी सत्ते किसी कैफियत में रह गई। खुशी और हैरत की मिलीजुली कैफियत से उसकी जबान जैसे कंग हो गई थी।
उसके सामने उसके ताया मासूम खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू लरस रहे थे और उनकी नीम सफेद दाढ़ी से जरा ऊपर उनके सुर्ख होंठ थर्राते चले जा रहे थे। फिर शानी हैरत के शदीद झटके से संभली। ताया जी, उसके होंठों से कर्राह निकली। वो भागकर उनसे लिपट गई। ताया मासूम ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और हिचकियों से रोने लगे। ताया भतीजी के मिलने का मंजर दीदनी था। शानी की हिचकी बंद गई थी। ताया मासूम उसके सर और पेशानी को चूमते चले जा रहे थे। 3-4 मिनट बाद ये रिकत आमेज मंजर ख़त्म हुआ। शानी और ताया मासूम चारपाई पर बैठ गए। आरिफ और दूसरा घुड़सवार बाहर जा चुके थे ताकि ताया भतीजी आज़ादी के साथ एक दूजे से बात कर सकें। शानी रोते हुए बोली, मुझे तो लगता है ताया आप मुझे भूल ही गए हैं। बस मेरे हाल पर छोड़ दिया है मुझे। आपको क्या पता मैं कैसे कैसे अजाबों से गुजरी हूँ। बेटी, अगर तुम तकलीफ़ों से गुजरी हो तो हम पर भी हर रोज़ कयामत टूटती रही है। समझो कि मर मर कर जीते रहे हैं। ताया, मेरी चची परवीन कैसी हैं, और खालू एजाज, और आमना फूफी, और फोजिया। मैं आमना फूफी को बहुत याद करती रही हूँ। आप सबको बहुत बहुत याद करती रही हूँ। सब ठीक है मेरी बेटी, सब ठीक हैं। और सकीना सोगरा, बाबा खादिम हुसैन, बाबा फखरी और मुख्तारी और सनाउल्ला। वो एक एक का नाम लेकर उसके बारे में पूछती रही और आंसू बहाती रही। ताया मासूम मुसलसल उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। वो ज़रा चुप हुई तो वो रिक्कत भरे लहजे में बोले, नारपुर की हवेली में आग लगने के बाद तो हम तुझे गंवा ही बैठे थे धीरानी। हमें यही लगा था कि तू हमें हमेशा के लिए विछोड़ा दे गई है। तेरी चाची ने तो रो रो कर खुद को मंजी से लगा लिया था। रात दिन तेरा नाम लेकर आहें भरती थी। और एक चाची ही क्या, पूरी हवेली सोग में डूबी रहती थी। खादिम हुसैन के दिल पर इतना असर हुआ कि वो हवेली छोड़कर ही कहीं चला गया और अभी तक वापस नहीं आया। फिर हमें पता चला कि तू जिंदा सलामत है और अपने खावंद के रिश्तेदारों के पास कहीं लाहौर में है। पहले तो इस खबर को हमने अफवाह समझा, लेकिन बाद में सब कुछ सच निकला। हमें यह भी पता चला कि तेरे ससुराली रिश्तेदार तेरी जान के लिए ख़तरा बन गए हैं और तेरे एक जेठ ने तुझे अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। उसके बाद हमने तुझ तक पहुंचने और तुझे उन लोगों के चुंगल से निकालने की कोशिशें शुरू कर दीं। ये बड़ी लंबी और तकलीफ देह कहानी है मेरी धीरानी, तुझे तसल्ली से सब कुछ बताऊंगा। इस वक्त तो हमें बस जल्दी से एक दो फैसले करने हैं। हमारे आसपास हालात बहुत ख़राब हैं, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। आपके साथ कौन है ताया जी? ये पुलिस वाला ही है। पुलिस वाला? शानी के चेहरे पर तशवीश गहरी हो गई। हाँ, लेकिन ये हमारी मदद के लिए यहाँ आया है। शायद तुमने इसके बारे में सुना ही हो। ये रुस्तम सियाल का दोस्त है, SP है। हाजी हयात नाम है इसका। शानी सन्नाटे में रह गई। हाजी हयात के बारे में उसने पहले भी कई बार सुना था। ताया मासूम ने बात जारी रखते हुए कहा, शायद तुमने ही आरिफ कम्बूह वगैरह से कहा था कि रुस्तम के दोस्तों तक इस बारे में इत्तला पहुँचाएं। परसों रात कम्बूह बरादरी का एक बंदा किसी तरह हाजी हयात के एक मातहत तक पहुँचा और वहाँ से हाजी हयात तक इत्तला पहुँची। हाजी हयात बहुत अच्छा बंदा है। हम तुझे ढूंढने के लिए जो कोशिशें करते रहे हैं उनमें हाजी हयात भी शरीक रहा है। परसों भी जैसे ही उस तक इत्तला पहुँची वो अपने सारे काम छोड़कर रंगबली पहुँचा और मुझसे मिला। रंगबली से हमारे यहाँ तक पहुँचने की रुदात भी काफ़ी लंबी है। रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस और नारपुरी चौधरियों के कारिंदे फैले हुए हैं। हम मकामियों के भेस में यहाँ पहुँचे हैं। शायद तुमने देखा ही हो, एक घोड़े पर हमने सामान लादा हुआ है। शानी ने असबात में सर हिलाया। ताया मासूम ने अपनी घड़ी पर निगाह दौड़ाई और उठते हुए बोले, हमारे पास वक्त बहुत कम है, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले मैं हाजी साहब को अंदर बुला लूँ। शानी के कुछ कहने से पहले ही ताया मासूम उठे और दूसरे घुड़सवार को अंदर ले आए। आरिफ कम्बूह भी साथ ही था। दूसरे घुड़सवार का चेहरा अब मुंडासा नुमा पगड़ी से आज़ाद था। ये भरे भरे चेहरे और छोटी दाढ़ी वाले एक बारोब शख्स था। उसके सर और दाढ़ी में 10-15% सफ़ेद बाल नज़र आते थे। उसने शानी की तरफ देखकर अपनाइयत से सलाम किया। शानी ने खड़े होकर जवाब दिया। फिर वो चारों बैठ गए। हाजी हयात ने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, पूछने और कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ बहुत ज़रूरी बातें ही करना होंगी। वक्त बहुत कम है। इस इलाके में पीर कुदरतुल्ला के मानने वाले हर जगह फैले हुए हैं। उनके ज़रिए तुम दोनों के यहाँ मौजूद होने की इत्तला मकामी पुलिस तक पहुँच चुकी होगी या बस पहुँचने वाली होगी। उसके बाद पुलिस को यहाँ पहुँचने में
एक घंटे से ज्यादा हरगिज नहीं लगेगा। एसपी हाजी हयात ने चंद लम्हे तौकफ करके अपनी मुतासिर कुन आंखों से शानी की आंखों में झांका और बात जारी रखते हुए बोला, शानी बीबी, इस थोड़े से वक्त में तुम्हें दो अहम फैसले करने हैं और ये दोनों फैसले बहुत ज़रूरी हैं। शानी ने चेहरा फेर कर देखा, ताया मासूम और आरिफ कंबू दोनों बाहर जा चुके थे। थोड़ी देर पहले शानी और ताया मासूम कमरे में तन्हा थे, अब हाजी हयात और शानी तन्हा थे। हाजी हयात ने गंभीर लहजे में कहना शुरू किया, रोस्ता मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमने बहुत मुश्किल मौक़ों पर एक दूसरे की मदद की है, हम एक दूसरे के राजदां भी हैं। मेरी सारी हमदर्दियाँ रोस्तम के साथ होनी चाहिए और हैं भी, लेकिन मैं इस मौके पर वही बात कहूँगा जो वक्त और हालात के मुताबिक मुझे कहनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये उम्मीद भी करूँगा कि तुम ये बात मान लोगी। शानी ने कहा, ताया मासूम और आप मेरे बड़ों की हैसियत से यहाँ आए हैं, जाहिर है आप हमारे फ़ायदे की बात ही कहेंगे। हाजी हयात ने सिगरेट का एक छोटा सा कश लेकर कहा, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि रोस्तम तुम्हें बेइंतहा चाहता है। इतनी शदीद चाहत मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम भी उसे नापसंद नहीं करती हो, लेकिन यहाँ सवाल हालात का है। हालात सरासर रुस्तम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और इतने ख़िलाफ़ हैं कि शायद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। आखिरी अल्फाज कहते कहते एसपी हयात का लहजा दुख से भर गया, उस दुख में गहरी तशवीश भी शामिल थी। वो बात जारी रखते हुए बोला, पिंडी में रुस्तम के हाथों शदीद ज़ख्मी होने वाला पुलिस मुलाजिम अस्पताल में दम तोड़ चुका है। दफ़ा 302 क्या बला है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन जब इस दफ़ा का इत्तलाक किसी सरकारी या पुलिस मुलाजिम के हवाले से होता है तो फिर ये तूफान मचा देती है। महकमे का बंदा होने की हैसियत से मैं ये बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इस संगीन वाक़े के चंद ही दिन बाद रुस्तम के हाथों एक कत्ल और हो चुका है। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम उस वाक़े की चशमदीद गवाह भी हो। मैं समझी नहीं, ये कोई ऐसी पुरानी बात तो नहीं है शानी बीबी? कठोली के मेले में जो हंगामा हुआ उसमें मरने वालों की तादाद अब 5 हो गई है। उनमें से एक शख्स सराज लोहार रुस्तम की चलाई हुई गोलियों से मरा है। जब तुम दोनों आरिफ वगैरह के साथ जीप पर सवार होकर मेले के हंगामे से निकले तो रुस्तम ने पीछे आने वाले 4-5 बंदों पर माउजर से फायरिंग की थी। उस फायरिंग में सराज मौके पर हलाक हुआ। उस कत्ल की FIR भी खास रुस्तम के नाम से कटी है। बेशक इन दोनों वाकयात के सबब रुस्तम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज तर हो गई है, लेकिन इसके अलावा भी रुस्तम पर कई एक संगीन केस बने हुए हैं। उनमें दफ़ा 302 डकैती की दिफात 390 और 391, हमले की दिफात 325 और 326 जैसे कई केस शामिल हैं। शायद तुम्हें हैरानी हो रही हो कि मैं अपने ही दोस्त के खिलाफ तुम्हें ये सारी बातें इतनी तफसील से क्यों बता रहा हूँ। शानी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस सकता जदा सी बैठी रही। हाजी हयात चंद लम्हे तामुल करने के बाद बोला, शानी बीबी, अगर मेरे दिल की बात पूछती हो तो मैं यही चाहूँगा कि रुस्तम तुमसे जुदा ना हो और ना तुम रुस्तम से, लेकिन ये वक्त जज्बात से सोचने का नहीं। अगर जज्बात से सोचेंगे तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और शायद तुम दोनों भी अपनी ज़िंदगियाँ ना बचा सको। आखिरी अल्फाज कहते कहते एक बार फिर हाजी हयात की आवाज़ भर्रा गई। उसने खनकार कर गला साफ किया और बोला, इस वक्त रुस्तम के लिए सबसे बेहतर रास्ता यही है कि वह पुलिस की खौफनाक चढ़ाई से बचकर निकल जाए और अपनी जान बचाने की कोशिश करे, लेकिन मैं जानता हूँ वो अकेला नहीं जाएगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा और हो सकता है कि तुम भी उसके साथ जाना चाहो, लेकिन अगर तुम दोनों ने ये फैसला किया तो ये बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाएगा। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि रुस्तम के लिए बच निकलने के इम्कानात 100 में से 25-30 से ज़्यादा नहीं हैं, और वह भी उसी सूरत में जब वो मज़ीद वक्त ज़ाया ना करे। अगर वो पुलिस वालों और नारपुरियों के जानलेवा घेरे से बचकर निकलना चाहता है तो उसे सर तोड़ कोशिश करना पड़ेगी, और जहाँ तक मैंने नतीजा निकाला है इस कोशिश में कोई उसका साथ भी नहीं दे सकेगा। सरदार दुर्राज और आरिफ कंबू ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि उसे डेक नाला पार करा के 6-7 मील आगे पहुँचा दें। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? शानी ने होले से असबात में सर हिलाया। हाजी हयात बोला, अब तुम सोचो अगर रुस्तम को अपने साथ तुम्हारी जान भी बचाना पड़ी तो क्या होगा? वो खुद यहाँ से निकल सकेगा ना तुम्हें निकाल पाएगा, और बात सिर्फ इस इलाके से या पंजाब से निकल जाने की ही नहीं होगी, उसके बाद भी खुद को छुपाने के लिए उसे ना जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। इन सारे हालात को सामने रखते हुए मुनासिब तरीन रास्ता यही है कि रुस्तम यहाँ से अकेला जाए
और तुम खुद को पुलिस के सामने पेश कर दो। जी, शानी ने चौंक कर हाजी हयात की तरफ देखा। वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोला, मैंने तुम्हारा सारा केस देखा है, सारी ऊंच नीच का जायजा लिया है। मैंने और ताया मासूम ने 2 दिन पहले लाहौर के एक बड़े वकील से मशवरा भी किया है। तुम्हारे खिलाफ कोई संगीन इल्ज़ाम आयद नहीं और ना कोई ठोस सबूत है। नारपुर के चौधरियों की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनकी कानूनी हैसियत बड़ी कमज़ोर है। अपने तजुर्बे की बिना पर मैं कह सकता हूँ कि 2-3 पेशियों में ही तुम्हारी जमानत हो जानी है। मेरे होते हुए अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें पुलिस से कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। रही चंद हफ्ते जेल में रहने की बात, तो उसका इंतज़ाम भी हम मिलजुल कर लेंगे। जेल तुम्हारे लिए जेल नहीं होगी, ये मेरा वादा है। हम मेडिकल बेस पर तुम्हारे लिए कोई बेहतर हल सोच लेंगे। शानी के कान साएं साएं कर रहे थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गैर जज्बाती तौर पर सोचा जाता तो एसबी हयात की बात में वजन था, लेकिन क्या रुस्तम एक बार फिर उससे जुदा हो जाएगा? तन तनहा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तिला होने के लिए उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया, वो बेहाल होने लगी। एसपी हयात ने उसके तासुरात देखते हुए कहा, देखो मैं अपने जिगरी दोस्त की जानिबदारी नहीं कर रहा, मैं वही बात कह रहा हूँ जो फिल वक्त तुम्हारे और रुस्तम के लिए बेहतर है। तुम्हें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। मैं जानता हूँ ये फैसला मुश्किल है, लेकिन दिल कड़ा करके इस आजमाइश से गुजर जाओ। रुस्तम को और खुद को फौरी आफत से बचा लो। जिंदगी बाकी रहेगी तो जिंदगी के सारे इम्कान भी बाकी रहेंगे। क्या पता 2-4 महीने या 2-4 साल बाद जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हालात एक बार फिर तुम्हें और रुस्तम को एक दूसरे के पास ले जाएं। शानी को यूं लगा जैसे उसका सीना गले तक नमकीन आंसुओं से भर गया है। एक माही बड़ी दूर से आया था, उसका चेहरा जख्मों ने गहनाया था। उसकी आंखों में जानलेवा मुसाफतों की गर्द और पाँव के छाले थे। वो तो अभी 2 पल को सस्ताया भी नहीं था, अभी तो शानी की उंगलियाँ उसके पारा पारा जिस्म को सहला भी नहीं सकी थी कि एक बार फिर अजने सफ़र शुरू हो गया, और सफ़र भी ऐसा जिसमें वापसी के इम्कानात मादूम थे। हाजी हयात की आवाज़ शानी के कानों में पड़ी। वो कह रहा था, मैं जानता हूँ शानी बीबी, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा। उसकी ख्वाहिश होगी कि वो तुम्हें चौधरियों और पुलिस वालों के घेरे से निकाल कर कहीं बहुत दूर ले जाए। देखने में ये ख्वाहिश बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें भी मालूम होगा हकीकतें बड़ी तलख और कड़वी होती हैं। रुस्तम की इस ख्वाहिश के रस्ते में बस तुम ही दीवार बन सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम रुस्तम से खुद बात करो। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है तुम उसे अपने तौर पर समझा दो। उससे साफ लफ्ज़ों में कह दो कि तुम उसके साथ जाकर उसकी और अपनी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में डालना नहीं चाहती हो, और मुझे यकीन है कि तुम उसे कायल कर सकती हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, शानी रोहान सी होकर बोली। इसी दौरान में आरिफ ने हाजी हयात को बाहर बुलाया। उसके लहजे में हैजानी कैफियत थी। हाजी हयात उठकर बाहर चला गया। उसके जाने के 2 मिनट बाद शानी के ताया मासूम अंदर आ गए। गहरी तशवीश उनके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर दर्ज थी। उन्होंने अंदर आकर एक बार फिर शानी को गले से लगाया। गुलगीर आवाज़ में बोले, मेरी धी रानी, मुझे पता है तू शर्मा वाली बेटी है, अपनी माँ की तरह तेरे सीने में भी सोने का दिल है। तू गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। मैं तेरे नाम के साथ रुस्तम सियाल का नाम सुन रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो ज़रूर उसकी कोई ना कोई वजह भी होगी। हमें तुझ पर पूरा भरोसा है धीरानी, लेकिन इस वक्त मसला और है। तेरी वजह से रुस्तम और रुस्तम की वजह से तेरी जान खतरे में पड़ रही है। तकदीर का फेर है कि रुस्तम इस वक्त सख्त मुसीबतों में जकड़ा गया है। ताया, उसकी मुसीबतों की बड़ी वजह तो मैं ही हूँ। पिंडी में मुझे बचाते हुए वो पुलिस वालों से लड़ा था। चौधरियों से उसकी दुश्मनी भी मेरी वजह से भड़की है। कठोली के मेले में भी वो मेरी वजह से पहुंचा था, और फिर वहां से भागते हुए भी जब उसने गोलियां चलाई तो उसके पीछे मैं खड़ी थी। शानी, मैं सब समझ रहा हूँ, तू ना भी बताए तो समझ रहा हूँ, लेकिन अब बात यह है कि पुलिस जहरीली मक्खियों की तरह उसके पीछे पड़ गई है। आला अफसरों ने हर सूरत उसे जिंदा या मेरी बात समझ रही हो ना तुम? शानी सर झुकाए सिसकियां लेती रही। ताया मासूम ने बात जारी रखी। एसपी हयात खान को पता चला है कि लाहौर का एक बड़ा करख्त डीएसपी रुस्तम को पकड़ने के काम पर लगाया गया है। ये बड़ा जालिम बंदा है, लोग उसके नाम से डरते हैं।
और बात सिर्फ पुलिस की ही नहीं है, नारपुर के सारे चौधरी भी अपने अंदर की लड़ाइयां भूल कर रोस्तम के खून के प्यासे हो गए हैं। इन हालात में रोस्तम के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो किसी तरह गैर इलाके की तरफ निकल जाए और अपनी जान बचाने की कोशिश करे। बाकी रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारा मामला और है, हम उसे किसी न किसी तरह संभाल लेंगे। रोस्तम के साथ इस वक्त सबसे बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत यही है कि उसे किसी तरह मौत के इस घेरे में से निकाल दिया जाए, और ये काम तुम कर सकती हो शानी, वो अश्कबार लहजे में बोली। ताया, क्या ये नहीं हो सकता कि एसपी साहब किसी तरह हमें यहाँ से निकाल कर किसी पक्की सड़क तक पहुँचा दें? आखिर उनका ओहदा है, अथॉरिटी है। रोस्तम कहता था, अगर हम एक दफ़ा पक्की सड़क तक पहुँच जाएँ तो फिर मियांवाली से होते हुए बनू या कोहाट की तरफ निकल सकते हैं। ताया मासूम ने बड़े कर्ब से दाएं बाएं सर हिलाया। नहीं शानी, तुम समझ नहीं रही हो, इस काम के लिए वक्त बहुत पहले गुजर गया है, अब तो बस एक आध घंटे की बात है। कई थानों की पुलिस मिलकर इस इलाके की तरफ बढ़ रही है और किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। अभी थोड़ी देर पहले आरिफ के बंदे ने यही इतला दी है। इसका मतलब है हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, वो रोते हुए बोली। ये बड़ी ज्यादती होगी ताया जी, वो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए। वो बात मुकम्मल ना कर सकी, उसकी आवाज़ गले में फंस कर रह गई। ताया ने उसकी पेशानी चूमी, सर पर हाथ फेरा। हम उसकी मदद कर रहे हैं धीरानी, हमने बर वक्त यहाँ पहुँच कर उसे खतरे के बारे में बताया है, हम यहाँ से निकलने में भी उसकी मदद करेंगे, जहाँ तक होगा उसका साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारी हिफाजत में दूर से दूर निकल जाए। शानी ने सर अपने घुटनों पर झुका लिया, उसका कलेजा फटा जा रहा था। ताया मासूम उसके सगे ताया नहीं थे, लेकिन वो सगों की तरह ही उनका एहतराम करती थी। वो जानती थी वो जो कुछ कह रहे हैं उसके भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो अपने दिल का क्या करती? हालात ने क्या कयामत ढाई थी, अभी कुछ ही देर पहले वो अपनी ज़िंदगी की हसीन तरीन सातों से गुजरी थी। उसके दिलो दमाग और उसकी रूह ने बड़े जज्ब के साथ रुस्तम के कुर्ब को कबूल किया था और अपने अंदर समोया था, और अब वो जुदाई के जहर से भरा हुआ प्याला अपने सामने देख रही थी। कश्मकश की घड़ियां बड़ी कठिन और जानकाह थीं। ताया मासूम मुसलसल उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। आखिर वो हारी हुई आवाज़ में बोली, क्या वो अकेला जाएगा? हो सकता है अकेला जाए, और ये भी हो सकता है कि आरिफ कंबू या दुर्राज अपना कोई बाएतमाद साथी उसके साथ कर दें। ताया, उसे अकेला ना भेजें, उसे अकेला ना भेजें। वो ताया का हाथ थाम कर किसी बच्ची की तरह सिसकी। तुम फिक्र ना करो शानी, हम उसके लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं करेंगे, बस अब तुम जाओ और जल्दी से उसे यह सारी बात समझा दो, वक्त बहुत कम है। ताया मासूम उठ खड़े हुए। शानी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो रुस्तम के सामने कैसे जाए, उससे क्या कहे और कैसे कहे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मौजूदा हालात में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ताया मासूम और हाजी हयात की बातों से बिल्कुल आया हो गया था कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रुस्तम से जो तवील मुलाकात की है उसमें रुस्तम ने शानी को अपने साथ ले जाने की बात की है। फिर शानी का ध्यान अपनी कलाई की तरफ चला गया, वहाँ नील मौजूद था। कितनी मोहब्बत भरी और कितनी सख्त गिरफ्त थी ये। उस वक्त शानी को महसूस हुआ कि शायद सारी दुनिया मिलकर भी उसकी कलाई रोस्तम के मुहाफिज हाथ से छुड़ा नहीं सकती है, लेकिन अब वो खुद उस कलाई को छुड़ाने के बारे में सोच रही थी। दो तीन मिनट शदीद कश्मकश में गुजारने के बाद वो उठी, उसने अपना सर मुँह चादर में लपेटा और एक गहरी सांस लेकर ताया मासूम के साथ कमरे से निकल आई। वो रोस्तम की तरफ जा रही थी। कमरे से बाहर आरिफ और हाजी हयात खान मौजूद थे। उन दोनों ने शानी को ताईदी नज़रों से देखा। वो बेहद बोझल कदमों के साथ जीना उतरी और अहाते में आ गई। अहाते में पहुंचकर ताया मासूम ने उसका शाना से हिलाया और खुद वहीं ठहर गए। उससे आगे शानी को अकेला जाना था। 15-20 कदम का फासला था, मगर शानी को सदियों की मुसाफत लग रही थी। सीने में दर्द की बुलंदो बाला लहरें थीं। वो अभी तक यकीन से नहीं कह सकती थी कि जो कुछ रुस्तम से कहने जा रही है कह भी पाएगी या नहीं। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वहाँ जाकर क्या सूरत हाल पेश आए, जज्बात का धारा उसे किस तरह बहा ले जाए। ना ही उसे ये अंदाज़ा था कि उसकी बात पर रुस्तम का रद्दअमल क्या होगा। हाँ, उसके दिल से ये गवाही ज़रूर आ रही थी कि अगर वो फैसला कुन अंदाज में बात कर सकी तो रुस्तम उसकी बात को रद्द नहीं करेगा।
लेकिन बड़ी कयामत तो यही फैसला कुन अंदाज वाली थी। वो जख्म जख्म रुस्तम के सामने, कहाँ से लाएगी ये अंदाज। और फिर वो उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ रुस्तम मौजूद था। दिल कड़ा करके उसने सामने देखा, लेकिन रुस्तम मौजूद नहीं था। कमरा खाली था। झोंपड़े नुमा कमरे की अगली खिड़की खुली थी और पट हवा के साथ होले होले हिल रहा था। शानी के दिल ने पुकार कर कहा, वो चला गया है उसे जिंदगी की कठिन तरीन आजमाइश से बचाकर। अपने सारे दर्द भरे सवाल अपने होंठों में दबाकर, अपनी सारी आहें अपने सीने में छुपाकर, वो हालात का मारा खामोशी से किसी जानिब निकल गया है। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल जैसे कराहने लगा। कहीं गहराई से आवाज आने लगी, रुस्तम मुझे इतना मौका तो देते, मैं तुम्हें बता सकती, मैं पत्थर नहीं हूं, अगर थी भी तो पिघल रही हूं। आज सवेरे जब सूरज तुलू नहीं हुआ था, मैंने अपने दिल की धरती पर तुम्हारी मोहब्बत का सूरज अपने हाथों से उगाया था और उसकी बेपनाह रोशनी को तस्लीम किया था। काश मैं जाने से पहले तुम्हें बता सकती। उसी दौरान में बाहर से मिलीजुली आवाजें आने लगी। एक महतम मुखिया दुराज से कह रहा था, आपा दोनों ने अभी एक मिनट पहले खुद उसे देखा है जी, उसने काली चादर लपेटी हुई थी, तुम्हें कैसे पता चला कि वो है। वही था जी, लंगड़ाता हुआ जा रहा था, आपा के देखते देखते सरकंडों में घुस गया, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा जी। ठहरो मैं अंदर देखता हूं, दुर्राज की आवाज आई। चंद ही सेकंड बाद वो दंदनाता हुआ झोंपड़े में दाखिल हुआ। क्लाशनकोफ उसके कंधे से झूल रही थी। शानी को रोते हुए देखकर उसकी हैरत मजीद बढ़ी। निकड़ी कहाँ है वो, उसने पूछा। वो नहीं है, शानी ने रोते हुए कहा। 5-10 मिनट के अंदर ये बात सब लोगों को मालूम हो चुकी थी कि रुस्तम सियाल किसी को बताए बगैर खामोशी से डेक नाले की तरफ निकल गया है। 2-3 अफराद इस बात के गवाह थे कि उन्होंने काली चादर में लिपटे हुए रुस्तम को सरकंडों में घुसते देखा है। इस वाक्य के सिर्फ 25-30 मिनट बाद ही मुखिया दुर्राज के कारिंदों ने उसे इत्तला दी कि तकरीबन 4 जीपों और 2 गाड़ियों पर सवार पुलिस की भारी जमीयत तेजी के साथ बस्ती की तरफ आ रही है। एसपी हाजी हयात ने मुखिया दुर्राज को जरूरी हिदायत देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये लोग किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ शानी बीबी को अपने साथ ले जाएंगे। अगर ये 2-4 मकामी लोगों को साथ लेकर गए भी तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें वापस ले आएंगे। इस पुलिस पार्टी में एक इंस्पेक्टर और एक ASI अपने खास बंदे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो किसी तरह कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। मुखिया दुर्राज के चेहरे पर खौफ के आसार नहीं थे, उसने अपना दीवार जैसा सीना तान कर कहा, सरकार आपके हौसला देने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिक्र ना करें, अपनी हिफाजत करना आप खूब जानते हैं। इस डेक नाले के किनारे बसने वाले 3,000 महतम मेरी एक आवाज पर एक जान हो सकते हैं, आपा ने कभी पुलिस को ज्यादती करने दी है ना आप करने देंगे। हाजी हयात ने कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है दुराज, लेकिन इस मरतबा बहुत एहतियात की जरूरत है, पुलिस मुलाजिम के कत्ल की वजह से ये मामला काफी नाजुक हो चुका है। मुखिया दुराज को तमाम जरूरी हिदायत देने के बाद हाजी हयात और आरिफ कंबू वहां से चले गए। ताया मासूम शानी के साथ ही रहे। बस्ती में सनसनी की फिजा थी।